आइए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को हम कर रहे हैं पॉलिटी के 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो है उड़िया। ठीक है, यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो उड़िया है। उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था और यही लेटेस्ट लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। अगला है, भारत में किसी राज्य का की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा से के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? तो ये गलत है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उसकी जो साइज़ है वो कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट गलत हो जाता है। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है? गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये भी गलत है क्योंकि वो तो चूज़ किए जाते हैं चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। अगला है, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, ये उपबंध किस में किया गया है? तो अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज क्या है? विकास में जनभागीदारी। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। दूसरा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तो ये नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का पंचायती राज से कोई मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का, इसलिए थर्ड सही हो जाता है, फर्स्ट सही हो जाता है। फोर्थ है, वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, तो ये गलत है। सर, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जैसा कोई भी फीचर पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लोकसभा को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। तो इस पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेट जब हो जाता है लोकसभा तो प्रोरोगेशन में सिर्फ लैप्स नहीं होते हैं बिल। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये गलत है क्योंकि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को स्टेट में। ठीक है, गवर्नर नहीं करते। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। तो ये भी गलत है क्योंकि जब भी उन्हें चीफ मिनिस्टर चाहे तो वो वहाँ से हटा सकते हैं, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अगला है, ग्राम न्यायालय एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पूछता है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों में सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों में नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि क्रिमिनल केसेस में भी वो हियरिंग कर सकते हैं ग्राम न्यायालय, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, ये अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर एंड काउंसलर्स। तो हाँ, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो मीडिएटर की तरह वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। अगला है, राष्ट्रहित में
भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। तो इनमें से ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्या कहता है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत एवं मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत पारित किया जाता है। राज्यसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या कि पार्लियामेंट के पास में लेजिस्लेट करने की पावर आ जाए किस ऑन एन आइटम इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही बिल बना सकती हैं, एक्ट बना सकती हैं कोई भी, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो बना सकती है स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ। कब? जब राज्यसभा एक मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से ऐसा वोट करे, पास करे मोशन, तब। अगला है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 निर्धारित की गई, तो गलत है क्योंकि 21 निर्धारित की गई है। पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी होती रहती है। तो दूसरा सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि 21 ईयर्स होती है उसमें। तो अगला है मॉन्टेस्क्यू चेम्सवर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे। मॉन्टेस्क्यू निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विच वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। अगला है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, तो वो तो प्रीएम्बल में होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर पहला है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, और अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी तो आर्टिकल 17 में आता है, राइट टू इक्वालिटी में आता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी तो बाद में आता है, ठीक है, और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ठीक है, 23-24 इसमें आता है, तो 1 और 4 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। अधिकार के विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान से समाविष्ट हैं, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट में बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अगला है, क्लेम्स होते हैं सिटीजन के अगेंस्ट किसके, स्टेट के, सी वाला सही हो जाता, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। फिर चौथा, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? ठीक है, पहला कहता है, इन कर्तव्यों के प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए कोई ड्यूटीज नहीं है सच। दूसरा है कि ये विविध कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ऐसा नहीं है, लीगल ड्यूटीज के साथ में नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट एक बार एग्जाम पूछा गया था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो पहला कहता है, राइट्स आर कोरिलेटिव ड्यूटीज़, तो यही सही है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट्स जो हैं वो कोरिलेटिव हैं ड्यूटीज़। अगला, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से जोड़ा गया है? तो वो था मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, ठीक है।